अस्सलाम वालेकुम भाई, होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूज़ लेटर्स की बात की थी स्क्वेयर स्पेस के अंदर, तो आज हम बात करेंगे गैलरीज की, किस तरह से आपकी गैलरी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, या ऑलरेडी अगर एडिट है तो किस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देखें, हमारे पास ऑलरेडी एक गैलरी एडिट है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गए एडिट गैलरी एडिट सेक्शन। अब मुझे क्योंकि गैलरी एडिट करनी है, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस है, मज़ीद इसके अंदर और इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक्स अगर ऐड करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक हर इमेज के ऊपर तो यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। आप मज़ीद इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपलोड इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी गैलरी मॉड्यूल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड सेक्शन कर सकते हैं या स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के पास इमेजेस का, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला सेक्शन गैलरी का ऐड हो जाएगा उस जगह पर, और इन इमेजेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीश या अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, राइट। अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सिंपल, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि गैलरी किस तरह से ऐड करते हैं स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।